हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन समकोण त्रिभुज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं और इसका जो यूज है वो भी बहुत ज्यादा है। समकोण त्रिभुज का यूज पूरी ज्योमेट्री में रहता है, समकोण त्रिभुज का यूज पूरा ट्रिग्नोमेट्री में रहता है, और समकोण त्रिभुज का ही यूज आपके हाइट एंड डिस्टेंस में भी रहता है। तो अगर हम लोग एक बार समकोण त्रिभुज को समझ लेंगे तो हमारा ज्योमेट्री का भी पार्ट काफी सारा इजी हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का काफी सारा पार्ट इजी हो जाएगा, और हाइट एंड डिस्टेंस का भी काफी सारा पार्ट इजी हो जाएगा। तो चलिए बेसिक चीजें सीखते हैं जो आपके ज्योमेट्री में आती हैं। हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज है उसको हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यहीं पर सीख लेंगे। तो समकोण त्रिभुज की आकृति कुछ इस तरीके से होती है, और हमको मालूम होता है कि समकोण त्रिभुज में एक एंगल हमारा हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक, कई बार आपको यह सवाल में 90 नहीं लिखा होता, अगर इस तरीके से भी बना है ऐसे, इसका मतलब यह है कि यह समकोण त्रिभुज है। अगर नहीं भी दिया और यह आकृति बनी, इसका मतलब यह है समकोण त्रिभुज है। ये मान लो ए है, ये बी है। बेसिक बातें आपको मालूम ही होंगी कि यह आपका आधार हो गया, यह आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। कर्ण इंपॉर्टेंट है, कर्ण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर है। बेसिक बातें हैं जो आप सभी लोगों को मालूम है, मुझे पहले से मालूम है। अब हमें सीखना क्या है, जो हमारे एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं उनके बारे में हमें सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, हमारे एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीजें उन्हीं चीजों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले कि ये जो हमारे ट्रिप्लेट्स का मतलब पाइथागोरस त्रिक, जैसे अगर मैंने बोला ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हमारी तीन साइड होती हैं। मान लो अगर ये साइड आपकी ए है, या ए के सामने की साइड को ले लो, ए कोई भी साइड ए ले लो, मैं इसको ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, इसको सी ले लेता हूं, इस तरीके। तो ए के सामने की भुजा मैं ए ले लेता हूं, बी के सामने की भुजा को मैं बी लिख लेता हूं, और सी के सामने की भुजा को मैं सी लिख लेता हूं। तो सी हमारा कर्ण है, एक हमारा आधार और एक हमारा लंब है। तो इसमें एक होता है नियम, पाइथागोरस का नियम, क्या कहता है कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, दो नंबर के वर्गों का योग तीसरे नंबर के वर्ग के बराबर है। और ऐसी चीज हमको सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं तभी यूज मिलता है। मैंने आपको सिखा रखा है कि किसी भी कैलकुलेशन में कहीं पे भी इस तरीके का अगर आपको नंबर मिले कि दो नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर है, तो दिमाग में हमेशा क्या जाना चाहिए, पाइथागोरस त्रिक, ट्रिपलेट्स के बारे में दिमाग में जाना चाहिए। या इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। तो भी आपके दिमाग में यही जाना चाहिए कि दो नंबर का अगर स्क्वायर का अंतर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर है तो भी ये आपका ट्रिपलेट बनेगा। और हमेशा याद रखना ये वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, ये क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। दो छोटे नंबर का स्क्वायर तीसरे बड़े नंबर के स्क्वायर में के बराबर होगा, ये जो सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर है इसमें से अगर एक दूसरा नंबर का स्क्वायर घटा रहा है तो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कई बार हमें सवालों में यह देखना पड़ता है कि जो तीन नंबर हैं उससे पाइथागोरस त्रिक बनता है कि नहीं बनता है, तो उसके लिए हम लोग ये तरीका लगाते हैं। इससे बहुत आसानी से हम देख पाते हैं कि हमारा पाइथागोरस त्रिप्लेट बन रहा है कि नहीं। जैसे मैंने बोला एक नंबर मैं लिखता हूं 9, 40, 41, मैं पूछता हूं कि ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं, ये कैसे चेक कर सकते हैं। मैंने बोला इसमें से कोई भी एक नंबर ले लो जो जिसका स्क्वायर निकालना आसान है। मैंने बोला इसका भी स्क्वायर निकालना आसान है, इसका भी स्क्वायर निकालना आसान है, मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं, चाहे आपने इसको अलग ले लिया चाहे इसको अलग ले लिया। मुझे बड़ा वाले में से एक नंबर के स्क्वायर को घटाना है, तो मैंने क्या किया कि भाई इसको और इसको ले लिया और इसको अलग कर लिया। ठीक, तो जब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो हमेशा याद रखोगे इसमें किस तरीके से लगाओगे, एक बार दोनों नंबर को घटा दोगे और एक बार दोनों नंबर को जोड़ दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला। अब यहां पे देखो अगर मैं इसमें ये लगाऊंगा तो एक बार अगर दोनों को घटाऊंगा तो 41 में से 9 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 32, और अगर 41 में 9 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 50, और इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 1600। अब हमें यह देखना है कि ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे 5, 2, 10, 5, 15, 1, 16, ये हमारा कितना हो गया 1600, इधर भी हमारा 1600 बनना है और इधर भी हमारा 1600 बनना है, मतलब ये हमारा क्या पाइथागोरस त्रिक है। या ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें और इसमें का अंतर ले लो, तो 41 और 40 का अंतर लोगे तो कितना आएगा 1, 41 और 40 को सम करोगे तो कितना आएगा 81, और 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 81, अभी भी वही आ रहा है। अब की मैंने क्या कर दिया है, इन दोनों को साथ में लिया, इसको अलग कर दिया,
तो ऐसे आप बहुत आसानी से आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर हमारा पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं, आसानी से आप समझ सकते हो। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ ट्रिपलेट्स याद रखते हो, एग्जाम में सीधे सीधे आपका ये नंबर्स एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट करते हैं, अगर ये कुछ नंबर आपको याद है तो एग्जाम में आप बहुत जल्दी सवालों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे 3, 4, 5 सभी को मालूम है बेसिक हमारा ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 ये भी हमारा बेसिक ट्रिपलेट है, 7, 24, 25 ये भी हमारा बेसिक ट्रिपलेट है, 8, 15, 17 ये भी हमारा बेसिक ट्रिपलेट है। ये चारों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद जो कम पूछे जाने वाले हैं वो 9, 40, 41, 11, 60, 61 और 20, 21, 29 और भी ट्रिपलेट बन सकते हैं। इवन दो इन्हीं ट्रिपलेट्स का यूज करके भी हम लोग ट्रिपलेट बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने ये जो नंबर लिखा हुआ है इन सभी नंबर में सिर्फ एक ही किसी एक नंबर से गुणा कर दो। जैसे मैंने बोला 2 से सब में गुणा कर दो, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये भी हमारा क्या है, ट्रिपलेट बन गया। लेकिन ये ट्रिपलेट कौन सा है? यही वाला, इसका जो बेसिक वर्जन है वो ये, इसी से ये बना हुआ है। तो अगर हम ट्रिपलेट की बात करेंगे तो कौन सा ट्रिपलेट है? ये 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है और इसमें किसका गुणा किया गया? 2 का गुणा किया गया। मान लो अगर 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 12, 15 हो जाएगा। 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 16, 20 हो जाएगा। अगर 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15, 20, 25 हो जाएगा। ट्रिपलेट वही है, एक ही ट्रिपलेट से क्या कर सकते हैं हम लोग, कई ट्रिपलेट बना सकते हैं। तो एग्जाम में भाई बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं, बहुत सारे ट्रिपलेट बन सकते हैं। आपको कौन सा याद रखना है? बेसिक वाला याद रखना है। और जब ये एग्जाम में बनेगा तो आप सीधे सीधे देख लोगे भाई सभी नंबर में कोई एक ही नंबर कॉमन है, उसी से गुणा हो रहा है, तो सब में उससे भाग दे दोगे तो मालूम चल जाएगा कौन सा बेसिक ट्रिपलेट है। इसी तरीके से अगर यहां बात करें तो इस तरीके से बन सकता है 10, 24, 26 और बड़े नंबर बन सकते हैं। यहां अगर बात करें तो 14, 48, 50 इस तरीके से बन सकता है। यहां पे अगर बात करें तो 16, 30, 34 बन सकता है। या इसी तरीके से 2 का गुणा करके, 3 का गुणा करके, 4 का गुणा करके वो ट्रिपलेट बना सकते हैं। लेकिन आपको जो बेसिक बेसिक याद रखना है, कम से कम ये 4 आपको याद होने चाहिए। अगर नीचे के नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या। अगर आप अंतः त्रिज्या निकाल सकते हो तो अंतः वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, तो यह भी पूछा जाता है। परित्रिज्या निकाल सकते हो तो वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, यह भी पूछा जाता है। कई बार आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है, कई बार आपको त्रिज्या पूछी जाती है, ज्यादातर एग्जाम में त्रिज्या पूछी जाती है, क्षेत्रफल कम पूछा जाता है। बट अगर ये निकल जाएगा तो ये आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कि क्या होता है। जैसे हमारा कोई भी एक अगर समकोण त्रिभुज है, हमारा त्रिभुज समकोण भी हो सकता है और हमारा त्रिभुज क्या हो सकता है, कोई भी जनरल ट्रायंगल हो सकता है। तो अगर हम लोग बात करें जो अंतः त्रिज्या होती है इसको स्मॉल आर से लिखते हैं और जो परित्रिज्या होती है इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज में भी ये बातों को देखा था। किसी भी जनरल त्रिभुज के लिए जो अंतः त्रिज्या होती है वो होती है डेल्टा अपॉन एस, जहां पे डेल्टा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अगर हम परित्रिज्या की बात करें तो ये होता है एबीसी अपॉन में 4 डेल्टा, जहां ए बी सी भुजा होती है और डेल्टा आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लेकिन अगर हम लोग समकोण त्रिभुज के केस में बात करेंगे, किस केस में, अगर समकोण त्रिभुज के केस में बात करेंगे तो जो आपकी अंतः त्रिज्या होती है ये होती है ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, और जो सी होता है ये आपका कर्ण होता है, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है उसको घटाना है किसमें से, बाकी 2 के सम में से, और उसको क्या कर देना, आधा कर देना है। अगर इस वाले केस में बात करें जो परित्रिज्या होती है ये क्या होता है, सी बाई टू, जहां पे सी हमारा क्या होता है, कर्ण, कर्ण का आधा, ये हमारा होता है परित्रिज्या। तो अगर ये हमारा कर्ण है तो इसका आधा निकाल लो, ये आपकी क्या हो जाएगी, परित्रिज्या के बराबर हो जाएगी। और अगर ये मालूम है ए, ये मालूम है बी और ये मालूम है सी, तो ए प्लस बी माइनस सी निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अंतः त्रिज्या मिल जाएगी। अच्छा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आप याद रख सकते हो, जो आपके एग्जाम में कई बार सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है, कि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां पर होगा। समकोण त्रिभुज में क्या पूछ लिया जाता है, लंब केंद्र कहां पर होगा। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है परिकेंद्र कहां पर होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लंब केंद्र कब बनता है, जब हम शीर्ष से लंब डालते हैं। तो जैसे यह हमारा शीर्ष है, इस शीर्ष से ये वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो भाई ये तो पहले से लंब है, इस वाले शीर्ष से इस भुजा पर लंब डालेंगे तो ये भी ऑलरेडी लंब है, इस शीर्ष से इस वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो ये लंब हो गया। लेकिन ये तीनों लाइनें जहां कट करती हैं वही हमारा क्या होता है, वही हमारा लंब केंद्र होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही हमारा लंब केंद्र है, और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज का समकोण वाला शीर्ष, समकोण त्रिभुज में समकोण वाला जो शीर्ष होता है वही हमारा लंब केंद्र होता है।
और अगर हम परिकेंद्र की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो हम लोगों ने एक ये भी कॉन्सेप्ट सर्कल में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है कि जो अर्धवृत्त पर बना कोण, ये अगर हमारा व्यास है तो अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है ये क्या होता है, समकोण होता है। यहां पर क्या होगा, बीच में, बीचों बीच ये व्यास है तो बीच में ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। अच्छा, केंद्र से सर्कल तक को मिलाते हैं तो ये रेडियस के बराबर, केंद्र से सर्कल तक को मिलाते हैं तो ये भी रेडियस के बराबर, केंद्र से सर्कल तक को मिलाते हैं तो ये भी रेडियस के बराबर होता है। तो आप देखो क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है और ये आपका क्या है, कर्ण भाई, ये 90 है तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण, कर्ण का ये मध्य बिंदु है। तो देखो ये हमारा व्यास के बराबर हो गया और कर्ण का जो आधा है वो किसके बराबर जाती है, त्रिज्या के बराबर, और ये हमारा क्या भाई, सरकम सर्कल ही तो है, इस ट्रायंगल के लिए हमारा क्या है, परिवृत्त है। तो वही कॉन्सेप्ट है यहां पे भी लगता है कि भाई यहां से एक सर्कल ऐसा पास करता है, ये आपका रेडियस के बराबर होता है, ये आपका रेडियस के बराबर होता है और ये भी आपका रेडियस के बराबर होता है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाओगे तो ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और ये आपका कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है यही आपका क्या होता है, परिकेंद्र होता है। ठीक है, क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसका लंबार्धक खींचोगे, इसका लंबार्धक खींचोगे, इसका लंबार्धक खींचोगे, तीनों इसी जगह पर मिलेगा, यहां गया, यहां गया, तीनों इसी जगह पर मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि दोनों बातें क्लियर होंगे होंगी, लंब केंद्र भी और परिकेंद्र भी। ठीक है, अच्छा देखो, अगर हमारे पास में एग्जाम में सवाल आता है, अगर आपको पूछा जाता है अंतर त्रिज्या निकालनी है या परित्रिज्या निकालनी है, तो कैलकुलेशन करने में कई बार आपको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो बेसिक ट्रिपलेट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, अगर उन बेसिक ट्रिपलेट की अगर आप सीधे सीधे एन रेडियस निकाल लो, सर्कम रेडियस, परित्रिज्या निकाल लें तो बहुत आसान है, कर्ण का आधा कर दिया, बहुत आसान है। कैलकुलेशन हमको किस में करना पड़ता है, जब अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी होती है या इन रेडियस निकालना होता है, उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे बेसिक ट्रिपलेट है अगर हम उनकी इन रेडियस पहले से निकाल के याद कर लें तो एग्जाम में हम देख लेंगे किस नंबर का गुणा ट्रिपलेट में हो रहा है, जिस नंबर का गुणा ट्रिपलेट में हो उसी नंबर का गुणा इन रेडियस में कर दो और वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारे कुछ ट्रिपलेट्स थे, अगर मैं इन्हीं सभी का क्या निकालू, इन रेडियस, सर्कम रेडियस तो मालूम है, इसका आधा कर दो, 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 ये हमारी परिवृत्त की त्रिज्या या सर्कम रेडियस हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन रेडियस, तो इन रेडियस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ोगे, चार तीन सात, इसको घटाओगे, सात में से पांच घटाया दो, और उसका भी क्या करोगे, आधा, दो का आधा करोगे कितना आ जाएगा, एक। अब मान लो अगर मैंने इसमें किसी भी नंबर एन का गुणा किया तो जो आपका रेडियस हो जाएगा उसमें भी क्या हो जाएगा, एन का गुणा। जैसे अगर मैं बोलू दो का गुणा करिए, ये छह हो गया, ये आठ हो गया, ये दस हो गया, तो यहां पे भी दो का गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो पांच और बारह सत्रह, सत्रह में से तेरह घटाया चार, चार का आधा कर दे तो कितना आ गया, दो आ गया। अगर यहां पे एन का गुणा होगा तो यहां पे भी एन का गुणा हो जाएगा। बेसिक बेसिक आपको याद रखना है, इसका एक हो गया, इसका दो हो गया, सात चौबीस पच्चीस, चौबीस और सात इकतीस, इकतीस में से पच्चीस घटाएगा छह, छह का आधा कर दोगे कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। अच्छा देखो, ऐसा देखने में भी लग रहा है कि यार याद रखना मुश्किल नहीं है, मतलब एक दो तीन इस तरीके से बनना है तो याद रखना आसान हो सकता है। अच्छा अगर हम लोग इसमें भी एन का गुणा करेंगे, वही बात है, जिस भी नंबर का गुणा करोगे वहां पे भी उसी नंबर से गुणा हो जाएगा। ये हो गया तेईस, तेईस में से सत्रह घटाएंगे छह, छह का आधा करेंगे तीन, यहां पे भी तीन हो गया। अच्छा आप देखो, जो बेसिक वाले मैंने चार बोले, जो मैंने आपको क्या बोले, चार बेसिक वाले याद रखो, तो इनके देखो एक एक, सॉरी एक दो तीन तीन, तो मतलब तीन चार पांच, पांच बारह तेरह में एक और दो रहता है और बाकी दोनों में क्या रहते हैं, तीन और चार रहते हैं। इसी तरीके से आगे निकालोगे तो यहां पे चार आ जाएगा, यहां निकालोगे यहां पे पांच आ जाएगा, यहां निकालोगे यहां पे छह आ जाएगा। आप निकाल लो भाई, मुझे याद है मैंने लिख दिया, आप निकाल लो, निकाल के चाहो तो फिर इसको भी याद कर लो। ये चार आप याद रखो ही रखो, अगर ये भी याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे देखो ये हो गया उनचास, उनचास में से इकतालीस घटाया आठ, आठ का आधा कर दिया चार, ये एक से एक घटा दो तो साठ से साठ खत्म, दस का आधा कर दो पांच आ गया, इकतालीस में से उनतीस घटाओ बारह, बारह का आधा कितना हो गया छह हो गया। तो आप देख रहे हो आसानी से निकाल सकते हो सारे के सारे इन रेडियस। अब मान लो अगर आपसे पूछा जाए पंद्रह बीस पच्चीस, इसका सॉरी पंद्रह बीस और पच्चीस, इसका इन रेडियस आपको निकालना है, तो आप क्या देखोगे भाई, इसमें पांच का गुणा है, किसमें, तीन चार पांच में। तो मैंने बोला जब तीन चार पांच होता है तो इन रेडियस कितनी होती है, एक, अगर यहां पे पांच का गुणा हुआ है तो यहां पे भी पांच का गुणा कर दो। अब बार बार ए प्लस बी प्लस सॉरी ए प्लस बी माइनस सी बाई टू लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आता, नहीं याद रहता है तो आप स्टार्ट में लगाओ, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में लाओ कैसे कैसे हम लोग करते हैं, तो कई बार आप फटाक से एक सेकंड में आंसर लिख दोगे, आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा देखो, सिमिलरिटी भी आपके राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हालांकि आज हम लोग सिमिलरिटी पे सवाल नहीं करेंगे, सिमिलरिटी अलग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें सिमिलरिटी पढ़ेंगे। लेकिन जो इसका मेन यूज है, सिमिलरिटी का जो मेन थीम है, जो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है, उसको समझ लेते हैं। जैसे समरूपता समझाने के लिए मैं त्रिभुज को थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ये हमारा समकोण त्रिभुज है और ये हमारा समकोण है, ये 90 डिग्री है। तो भाई ये हमारा क्या होगा, ट्रिपलेट होगा, तीन भुजाएं होंगी। अगर मैं यहां से इस पे एक लंब डालूंगा, ये मैंने लंब डाल दिया, तो हमारे तीन त्रिभुज बनते हैं। एक ये त्रिभुज बनता है, एक ये त्रिभुज बनता है और एक बड़ा त्रिभुज बनता है। तीनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तीनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें जो ट्रिपलेट होता है वो भी सेम होते हैं। कहने का मतलब, अगर ये तीन चार पांच के ट्रिपलेट से बना है तो ये भी तीन चार पांच के ट्रिपलेट से बनेगा और ये भी तीन चार पांच के ट्रिपलेट से बनेगा। हाँ, तीन चार पांच में सब तीन चार पांच साइड नहीं होंगे, किसी में तीन चार पांच में तीन का गुणा होगा, किसी में तीन चार पांच में चार का गुणा होगा, किसी में तीन चार पांच में पांच का गुणा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एक सवाल लेता हूं, मैंने बोला ये आपका 15 है, ये आपका 20 है और ये आपका 25 है, तो ये हमारा क्या है, आपको मालूम है तीन चार पांच का ट्रिपलेट है और इसमें किसका गुणा हुआ है, पांच का गुणा हुआ है। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। अब हमारे पास में तीन साइडें बच गई हैं, एक ये वाली साइड बच गई है, एक ये वाली साइड बच गई है और एक ये वाली साइड बच गई है। अब इसको निकालना कैसे निकालोगे, कैसे सोचोगे? अब हमको मालूम है तीन चार पांच का ट्रिपलेट है, तो हमको मालूम है ये जो दो ट्रायंगल है ये भी तीन चार पांच के ही ट्रिपलेट बनेंगे। ये क्या बनेंगे, तीन चार पांच के ही ट्रिपलेट बनेंगे, ये भी तीन चार पांच के ही ट्रिपलेट बनेंगे। अब हमें पकड़ना कैसे है, हम पकड़ेंगे कर्ण से, इससे पकड़ेंगे। हमको मालूम है कर्ण हमारा पांच होना चाहिए, कर्ण हमारा क्या होना चाहिए, पांच। तो इसमें पांच में किसका गुणा हुआ है, तीन का गुणा हुआ है, तभी तो पांच गुणे तीन पंद्रह हुआ है। इसमें किसका गुणा हुआ है, पांच गुणे चार, पांच में किसका गुणा हुआ है, चार का गुणा हुआ है। तो जिसमें तीन का गुणा हुआ उसमें तीन का गुणा कर दो, जिसमें चार का गुणा हुआ उसमें चार का गुणा कर दो। तीन का गुणा करोगे नौ आ जाएगा, बारह आ जाएगा, पंद्रह आ जाएगा। इसमें चार का गुणा करोगे आ जाएगा बारह और सोलह और बीस। अच्छा देखो, इसमें पकड़ने के लिए आपको इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड ऐसी क्या है, कॉमन भी है। तो अगर मैं इन दोनों में देखूं तो कौन सा ऐसा नंबर कॉमन है, ये 12 यहां पर भी है, ये 12 ना यहां पर भी है, तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैंने 12 यहां पर डाल दिया। दोनों में है ना 12 12, तो एक ही भुजा कॉमन है, ये हो गया 12, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये बची वाली साइड कितनी हो गई 9। अब ये 20 हो गया, ये 12 हो गया, तो बची वाली साइड कितनी हो गई 16। 16 और 9 टोटल देखो कितना बनना है, 25 बनना है। मतलब सारा ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, मैंने बोला ना अगर एक तीन चार पांच का है तो दूसरा भी तीन चार पांच का होगा और तीसरा भी तीन चार पांच का ही ट्रिपलेट बनेगा। हमेशा इस बात को याद रख सकते हो। अब मान लो इसका एंड रेडियस निकालना है, आसानी से निकाल सकते हो, भाई किसका गुणा हो रहा है, तीन का, तो इसका एंड रेडियस तीन हो जाएगा। इसका एंड रेडियस निकालना है, किसका गुणा हो रहा है, चार का, क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। पूरे का एंड रेडियस निकालना है, किसका गुणा हो रहा है, पांच का, पांच आ जाएगा। भाई अगर इसके में मैंने एक सर्कल बना दिया, पूछिए इसका एंड रेडियस कितना है, तीन है। इसमें एक सर्कल बना दिया, पूछा इसका एंड रेडियस कितना है, चार। आसान है, एक एक सेकंड में निकाल सकते हो। बोलो, बात क्लियर होगी, समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको नोट रखना है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, यहां से अगर मैंने इस पे लंब डाला है, ये मैंने पॉइंट बोला एक्स है और ये मैंने पॉइंट बोला वाई है और ये मैंने पॉइंट बोला एच है, तो हमेशा याद रखना एच स्क्वायर बराबर एक्स इंटू वाई होता है। जैसे यहां पर भी देख लो, 16 नौइया कितना होता है, 144, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 16 नौइया 144, 12 का स्क्वायर 144। मान लो अगर आपको ये दो दिया है और ये निकालना है तो क्या करोगे, अंडर रूट ये इंटू ये, 9 गुणे 16, ये हो गया 144, 144 का वर्गमूल कर दोगे, क्या आ जाएगा 12। तो अगर मान लो आपको एच निकालना है तो क्या करना है, अंडर रूट एक्स वाई करना है। ये मालूम है तो आसानी से बाकी सारी चीज आप सिमिलरिटी लगा के निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये दो साइड दे रखी, ये निकालना है तो सीधे सीधे एच बराबर अंडर रूट एक्स वाई। कई सारे बच्चे इसमें सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सिमिलरिटी मत लगाओ, जल्दी से निकाल दो इसको। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। इसका यूज सबसे ज्यादा पड़ता है सिमिलरिटी में, जब सिमिलरिटी के सवाल पूछे जाते हैं, या इसका यूज आपके पड़ता है हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस में भी इस तरीके के फिगर बन जाते हैं, वहां पर भी आपको यूज पड़ता है। ठीक है, अब देखो कुछ सवाल हम लोग करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने सीखा उनको हम लोग अप्लाई करेंगे सवालों पे। कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई नीचे दी गई, निम्न में कौन सा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है और तीन चार पच्चीस, तीन चार पांच, तीन चार चार, तीन चार पांच, मैंने आपको क्या बताया, ट्रिपलेट आपको याद रखना है। वैसे तो इसका जो बेसिक तरीका है वो ये वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर बनेगा तो क्या होगा,
राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर नहीं बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। लेकिन इसमें सारे जो नंबर्स है वो हमको मालूम है, कौन से ट्रिपलेट से बनना है, 3, 4, 5। तो भाई सब में x दिख रहा है तो मैंने बोला यहां पे भी x का गुणा कर दो, यहां पे भी x का गुणा कर दो, यहां पे भी x का गुणा कर दो, भाई इसी तरीके से। तो जिसमें 3x 4x 5x है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें x स्क्वायर है इसलिए नहीं होगा, इसमें 25 है इसलिए नहीं होगा, इसमें x स्क्वायर है इसलिए नहीं होगा, अच्छा इसमें 4 भी है इसलिए भी नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है एक त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या है यदि दूसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर एवं कर्ण आपका क्या है 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक 8 है एक 10 है, ये 8 हो गया, कह रहा है ये 10 है, तो भाई ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ट्रिपलेट याद है भाई, 3, 4, 5, 5 में 2 का गुणा, 4 में 2 का गुणा, तो 3 में 2 का गुणा। मान लो अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, अगर सबसे बड़ा वाला दे रखा है तो आपको क्या करना है, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल निकालना है। तो एक बार दोनों को जोड़ोगे 18 और एक बार दोनों को घटाओगे 2 और इसका वर्गमूल 18 × 2 = 36, 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मान लो अगर किसी सवाल में आप नहीं पकड़ पाते हो ट्रिपलेट तुरंत तो ऐसे कर लोगे, पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ोगे तो कैसे करना है आपको समझ में आ गया। कह रहा है त्रिभुज एबीसी का कोण सी समकोण है, त्रिभुज एबीसी का सी कोण समकोण है, सी समकोण है। कह रहा है ए बराबर 5, मैंने ए यहां पर लिख दिया और बी यहां पर लिख दिया, ए के सामने की भुजा ए होती है ये 5 हो गया, बी के सामने की भुजा बी हो गई ये 12 हो गया। कह रहा है तो सी का मान कितना होगा, ये 5 हो गया ये 12 हो गया, तो भाई जो सी के सामने भुजा ये सी, सी का मान कितना हो जाएगा 13। कैसे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से नहीं, ट्रिपलेट याद रखना है भाई, मैंने क्या बोला 5, 12, 13 ट्रिपलेट है याद रखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर लगाओगे तो भी आएगा, लेकिन नहीं ये लगाना नहीं है, आपको याद रखना है वैल्यूज, याद रखना है 5, 12, 13। जो ये लगाएगा वो इस सवाल को करेगा 20 सेकंड में, जो ये याद रखेगा वो सवाल को करेगा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो आपको डिसाइड करना है आपको सवाल 1 सेकंड में करना है या आपको सवाल 20 सेकंड में करना है। ठीक है भाई, आपके एग्जाम में बस समय का ही खेल रहता है, जितनी जल्दी आप सवाल लगा पाओगे उतनी ही ज्यादा आप टाइम अंत में सेव कर पाओगे, और जो भी सवाल आपके थोड़े से कैलकुलेटिव है आप उन पर समय दे पाओगे। कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB बराबर 4, BC बराबर 3, AC बराबर 5, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा अभी हम लोगों ने सारी चीजों की बात की लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात नहीं की, तो चलो इस सवाल को करने से पहले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल पर भी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है कि अगर मान लो हमारे पास में समकोण त्रिभुज है, हमारे पास में क्या है समकोण त्रिभुज है, तो भाई ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बेस इनटू हाइट। तो कर्ण को हटा दो, क्या करना है कर्ण को हटाना है, बाकी दोनों नंबर्स का गुणा करना है, या क्या कर सकते हो इसमें किसी एक को आधा कर दो दूसरे के साथ गुणा कर दो, या इसको आधा कर दो इसके साथ गुणा कर दो, भाई वही तो हो गया ना AB/2 या A/2 × B, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं A/2 × B लिख सकते हैं या B/2 × A लिख सकते हैं। तो आप 1/2 A × B मत किया करो, आप क्या किया करोगे सवाल में देखो दो नंबर दिख रहे हैं, एक नंबर जिसका हाफ करना इजी है उसको हाफ कर दो, दूसरे से गुणा कर दो आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम इस सवाल की बात करें, कह रहा है ए बी 4 है, बीसी 3 है और एसी 5 है, अच्छा त्रिभुज बता नहीं रहा कैसा है, देखो समझदार है, कह रहा है त्रिभुज हमारा समकोण है कि नहीं है या बताया नहीं है। अगर त्रिभुज समकोण नहीं है तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, अगर त्रिभुज समकोण नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, हेरोंस फॉर्मूला लगता है, S S - A S - B S - C, ये वाला फॉर्मूला लगता है अगर हमें मालूम नहीं है त्रिभुज कैसा है समकोण है। पता चले दे दिया है 6, 7, 8 लगा दिया दो छोटे में, ये वाला AB/2 गलत हो जाएगा, इससे समकोण नहीं बनेगा, इसमें नहीं लगेगा ये, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा हेरोंस वाला। तो हमेशा आपको याद रखना है कि किसमें आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और किसमें आपको हेरोंस लगाना है। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB = 4, BC = 3, AC = 5 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये हमारा क्या है, हमको मालूम है कि ये ट्रिपलेट है, ये हमारा क्या है समकोण है, अगर समकोण है तो क्या है भाई इन दोनों का गुणा करके आधा करना है, 4 × 12 का आधा कर दिया, अच्छा ये आसान है तो जल्दी से कर दिया, ये स्क्वायर होगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एरिया है तो स्क्वायर होगा। और आगे बढ़ते हैं, कह रहे यदि त्रिभुज ABC की भुजा AB = 18, BC = 80 और AC = 82 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो अब क्या है, अब समझ में आ रहा है, अब तैयार पल्ले नहीं पड़ रहा है ये क्या है, अब मालूम नहीं चल रहा कौन सा त्रिभुज है समकोण है कि जनरल है, जनरल है तो हेरोंस लगेगा, समकोण है तो लगेगा। अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाता है तो 100 में 90% चांस है अगर बड़े नंबर्स हैं तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, लेकिन आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। कैसे करेंगे,
या तो आप इसको ट्रिपलेट में कन्वर्ट करके देखो भाई, ये 80 है, ये 82 है, ये 18 है, तो मैंने बोला ये 9 गुणे 2 है, ये देखो 40 गुणे 2 है, और ये देखो 41 गुणे 2 है। मैंने आपको बताया 9, 40, 41 हमारे क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। तो चलो ठीक है भाई, 9, 40, 41 का अगर ट्रिपलेट याद है तो फटाक से कर पाओ। मान लो अगर किसी को नहीं याद है तो कैसे करोगे, तो जो मैंने तरीका बताया, सबसे बड़ा वाला नंबर ये पकड़ो, उसके बाद वाला नंबर ये पकड़ो, और ये इसका स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। मैंने क्या बोला, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 162, इन दोनों को घटाओ कितना हो गया 2, गुणा करो किसके बराबर आ गया 324, 324 बराबर 324, ये हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल। कितना समय लगेगा, 1 से 2 सेकंड लगेगा, आपका चेक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है तो लगा दो भाई। क्या 1/2 छोटे, दोनों छोटे लेना है, तो भाई चाहे इसका आधा करो चाहे इसका आधा करो। मैंने बोला इसका आधा करो, 9, 9 = 72, 720, 18 भी कर सकते थे, 144 उसका आधा कर लेते, लेकिन भाई पहले ही आधा करके गुणा करो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण आपका 20 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अनुपात 3:4 है। कर्ण हमको वैल्यू दे रखी है 20 है। कह रहा है बाकी जो वो है किस रेशियो में, 3 और 4। तो भाई अगर ये रेशियो दे रखा है तो जो आपके ट्रिपलेट है वो भी तो आपके एक तरीके से रेशियो ही है। जैसे हमारा 3, 4, 5 है, अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ये भी क्या है, रेशियो। अगर मैं 5, 12, 13 की बात करूं तो ये भी मेरा क्या है, रेशियो ही तो है। तो अगर दो हमारे 5 और 12 है तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 13। दो हमारे 3 और 4 है तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 5। अगर ये 3, 4 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5। 5 का मान किसके बराबर, 20। किसका गुणा हो रहा है, 4 का। तो भाई सब जगह 4 का गुणा कर दो, यहाँ पे भी 4 का गुणा कर दिया, यहाँ पे भी 4 का गुणा कर दिया, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो बात क्लियर हो गई, ये तो आसान था, बट अगर इसी पे बड़े नंबर पे बनेगा तो भी आपको इसी तरीके से करना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं, भाई समकोण त्रिभुज में दो ही भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, एक ये भुजा और एक ये भुजा, ये दो भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ये भाषा आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, एक दूसरे से लंबवत भुजाओं की लंबाई। तो भाई एक दूसरे से लंबवत एक ये भुजा होगी, एक ये भुजा, अगर एक 8 है तो दूसरी कितनी है, 15 है। तो ट्रिपलेट याद है, अगर ये 8 है ये 15 है तो तीसरा हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 8, 15, 17 हमारा ट्रिपलेट बन गया। कह रहा है परिमाप कितना हो गया, 17, 15, 32 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, 40। परिमाप हमारा कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। परिमाप तो मालूम है ना, तीनों भुजाओं का सम, बस वही हमारा क्या है, परिमाप। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की एक तरफ की भुजा 126 सेंटीमीटर है, दूसरे तरफ की भुजा और कर्ण के बीच में 42 सेंटीमीटर का अंतर है। मतलब ये हमारा कर्ण नहीं है, ये हमारा क्या, कर्ण नहीं, क्योंकि यार दूसरे तरफ की भुजा और कर्ण के बीच में, अगर ये कर्ण होता तो कर्ण की बात अलग से नहीं करता। इसका मतलब है ये हमारा इस तरीके से कह रहा है, एक हमारा 126 हो गया। कह रहा है इसमें और इसमें हमारा जो अंतर है वो कितना है, 42 है। मान लो ये सी है, ये ए है, और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो कह रहा है सी माइनस ए का मान दे रखा है आपको, कर्ण सी की लंबाई निकालनी है। अच्छा देखो, अगर आप ट्रिपलेट पकड़ दे तो आसानी से हो जाएगा, अगर ट्रिपलेट नहीं पकड़े तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, बस वो आप देख लो। तो मैंने कहा इनका एचसीएफ निकालो, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 42, 42 में 3 का गुणा है तो ये क्या है, 42 × 3, और ये क्या है, 42। तो मैंने कहा जो कॉमन है उसको निकाल लो और बाकी से ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करो। अगर एक 3 मिला तो सबसे छोटा नंबर हमको ट्रिपलेट में मालूम है क्या है, 3, 4, 5। अगर मैंने इसको लिखा 3 तो इसको मैं लिखूंगा 4 और इसको मैं लिखूंगा 5। अब क्या करो, जो आपने एचसीएफ निकाला उससे गुणा कर दो, 42 और 42, ये 42 × 5, ये 42 × 4। अगर इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 42 कॉमन आएगा, 5 में से 4 कितना आ गया, अंतर 42 आ गया जो सवाल में दिया हुआ है, और 42 × 3 126 हो गया। तो ये एक साइड हो गई, ये अंतर हो गया, तो भाई हमारे हिसाब से दो साइडें आ गई, 5 × 42, 5 × 4 × 42। तो अगर कर्ण निकालना है तो कितना हो जाएगा, 5 × 42 कितना आ जाएगा, 210 सेंटीमीटर। हमारा आंसर कितना हो गया, 210 सेंटीमीटर। अगर ट्रिपलेट बना लिया तो जल्दी से आंसर आ गया, लेकिन अगर ट्रिपलेट नहीं बना तो वही वाला तरीका जो मैंने आपको बताया, क्या करोगे, c² - a² = b² वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। अब इसमें क्या करोगे, दोनों का अंतर, दोनों का सम, कह रहा है दोनों का अंतर पहले से दे रखा है 42 है, तो दोनों का सम निकाल लोगे और 126 का स्क्वायर करोगे, 126 × 126। अब देखो यहां पे 42 से काटोगे 3 बार चला जाएगा, तो यहां पे देखो c + a का मान आ जाएगा, क्या है, 178 आ जाएगा, ये
दोनों का सम मालूम है और दोनों का अंतर ऑलरेडी मालूम है, कितना है 42। भाई C प्लस ए मालूम है 378 और C माइनस ए मालूम है कितना है 42। तो अगर आपको C निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ के आधा करोगे कितना हो जाएगा 420 का आधा, 420 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 210 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रिपलेट पकड़ लेते हो तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई। ये आपके एग्जाम का सवाल है, आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। आगे बढ़ते, एक त्रिभुज की भुजाएं 15, 17 और 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल आपको मालूम है, 8, 15, 17 हमारे क्या है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक भुजा का आधा करो, दोनों छोटे इसको हटा दो, बड़े वाले को हटा दो, बाकी दोनों का गुणा करके आधा करना, 15 × 120 का आधा कितना हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई सीधे सीधे गुणा हो गया तो गुणा करके आधा कर लिया, 15 × 60 वैसे भी कर सकते हो। त्रिभुज PQR में कह रहा है कोण PQR 90 डिग्री है, QR 90 डिग्री है, तो ये आपका हो गया Q, ये आपका 90 हो गया, PQ 10 है, ये आपका P लिख लो तो ये आपका R हो जाएगा, PQ कह रहा है 10 है और PR 26 है, ये आपका 26 हो गया। तो कह रहा है त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, कह रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हमको मालूम है कब निकलेगी, ये A है, ये B है, ये C है, तो A प्लस B माइनस C बाई 2, या अगर हम ट्रिपलेट पकड़ लें तो भी आसानी से कर सकते हैं। अगर ये देखो 10 है, ये 26 है तो दिख नहीं रहा, ये क्या है 13 × 2, 13 सिर्फ एक ही में कारण में आता है 5, 12, 13 में, ये भी आप याद रख सकते हो, ये 5 × 2 हो गया, अब 5 आ गया 13 आ गया तो आपको मालूम है क्या आ जाएगा, ये 12 × 2 आ जाएगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 5, 12, 13 का जो ट्रिपलेट होता है इसका जो रेडियस होता है कितना होता है, 2 होता है, तो भाई किसका गुणा कर रहे हैं, अगर यहां पे 2 का गुणा हुआ है तो यहां पे भी किसका गुणा हो जाएगा 2 का, तो इन रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। वैसे भी निकाल सकते हो, 24 + 10 = 34, 34 में से 26 घटाओगे 8, 8 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 लगा के भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 27 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। कभी भी सवाल में अंतः त्रिज्या दी जाए और 3 भुजाएं दी जाए तो डेल्टा अपॉन एस तो पहले आपको लगाना ही नहीं, हमेशा आपको देखना है कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज देखने के लिए मुझे दिखा कि सभी में भाई 9 से भाग जा रहा है, मैंने देखा कि ये 9 × 3 है, मैंने देखा कि ये 9 × 4 है और मैंने देखा कि ये क्या है 9 × 5 है। तो भाई 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है और सब में किसका गुणा हो रहा है 9 का गुणा हो रहा है, तो मैंने आपको बता रखा है अगर 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है तो आपको इन रेडियस याद है कितना होता है 1 सेंटीमीटर होता है, अगर इसमें 9 का गुणा हुआ है तो यहां पे भी 9 का गुणा कर दो, आंसर हमारा 9 आ जाएगा, या a प्लस बी माइनस सी बाई 2 लगा के भी कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ो इसको घटाओ और आधा कर दो, a प्लस बी माइनस सी बाई 2 से भी आपका आंसर सेम ही आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई। कह रहा है त्रिभुज की परिघ त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजाएं 11, 60, 61 है, बढ़िया सवाल है। अब अगर मान लो किसी को यह नहीं मालूम है कि यह हमारा समकोण त्रिभुज है तो ABC अपॉन 4 डेल्टा लगाने में नानी याद आ जाएंगी, जिसको ट्रिपलेट याद है वो जल्दी से कर लेगा। मान लो जिसको ट्रिपलेट नहीं भी याद है, अगर ट्रिपलेट याद है तो आपको मालूम है ना आर बराबर क्या होता है कर्ण का आधा सी बाई 2, इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 30.5, 1 सेकंड में आंसर टिक करके आगे बढ़ गया। लेकिन मान लो कोई ऐसा नंबर मिल गया जिसमें आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, कैसे देखोगे इन दोनों का, इसका स्क्वायर निकालना आसान है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, सबसे छोटे वाले का स्क्वायर कर दिया, अब क्या करना है इन दोनों को जोड़ना है 121 हो गया और इन दोनों को घटाना 1 हो गया, तो भाई इन दोनों का जोड़ और अंतर का गुणा तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ये हमारा क्या हो गया भाई ए स्क्वायर, ये हमारा हो गया सी प्लस बी और एक हो गया सी माइनस बी, मतलब सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना इसी के बराबर, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जो सबसे बड़ी भुजा उसी का आधा हमारा क्या होता है कर्ण होता है। बात क्लियर होगी, चलो और आगे बढ़ते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए सी बी 90 डिग्री है, ये कह रहा है जो हमारा सी है ये 90 डिग्री है, कह रहा है ए बी सी 30 है, मान लेते हैं ये बी है, ये ए हो जाएगा, थोड़ा दूर बना लेते हैं, कई बार 30 दिया ना थोड़ा बढ़िया से दिखेगा। कह रहा है तब त्रिभुज की परित्रिज्या और भुजा बी सी में क्या अनुपात है, कह रहा है त्रिभुज की परित्रिज्या और बी सी में अनुपात क्या है। अच्छा ये 30 है तो ये 90 है तो आप मेरे को बताओ ये कितना हो जाएगा 60, भाई राइट एंगल ट्रायंगल में 30, 60, 90 होता है। अच्छा हम लोगों ने कई सारे ट्रिपलेट याद रखे लेकिन उसमें ये वाला भी ट्रिपलेट का रेशियो याद रखो, 30 के सामने भुजा होती है 1, 60 के सामने भुजा होती है √3 और 90 के सामने भुजा होती है 2, मतलब 1, √3 और 2, ये भी आपका ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट
बहुत सारे ऐसे बन सकते हैं। जो अभी हम लोगों ने ट्रिपलेट बात किया था वो नॉर्मल नंबर्स के ट्रिपलेट थे, ये वो नेचुरल नंबर्स के ट्रिपलेट थे, अब ये क्या है, परिमेय संख्याओं के ट्रिपलेट्स हैं। इसी में एक और होता है एक एक रूट टू, 45-45 वाला, ये 45-45-90 है, ये 30-60-90 है, 30 के सामने 60 के सामने 90 के सामने 45-45-90, 45 के सामने 45 के सामने 90 के सामने। आपको क्या निकालना है, परित्रिज्या और भुजा BC का अनुपात। तो परित्रिज्या क्या होगी, कर्ण का आधा, इसका आधा कितना हो गया 1, और BC की वैल्यू कितनी है √3, तो अगर रेशियो की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और √3। बोलो बात क्लियर होगी, आसान सा सवाल था, इजिली हो गया। अगर आपको ये चीजें नहीं मालूम है कि आपकी परित्रिज्या क्या होती है, आपका भुजा क्या है, अंतर त्रिज्या क्या है, तो कैसे निकालोगे, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज PQR में R 90 है, PQR में R 90 है, ये हो गया R। कह रहा है PQ 51 है, PQ ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया 51। कह रहा है PR 24 है, ये हो गया आपका 24। तो कह रहा है R और R बताना है, R का मतलब हो गया इन रेडियस और कैपिटल R का मतलब हो गया सरकम रेडियस, ठीक है। देखो ये वाले नंबर से पकड़ो, इसी से आपको ट्रिपलेट मिलेगा, ये 51 आपको तुरंत दिखेगा क्या है, 17 × 3 है, और 17 सिर्फ एक ही ट्रिपलेट में आता है, 8, 15, 17, बाकी किसी में कर्ण में 17 की वैल्यू नहीं आती, और कर्ण में 3 भी नहीं आता, तो कर्ण में 3 नहीं आएगा तो 17 ही आएगा, और 17 किस में आता है, 8, 15, 17 के ट्रिपलेट में। तो ये देखो क्या है, 8 × 3 है, ये क्या है 17 × 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 15 × 3 हो जाएगा। अब मैंने आपको सिखाया 8, 15, 17 इन रेडियस कितना है, 8, 15, 17 का इन रेडियस मैंने आपको याद कराया था, कितना होता है इन रेडियस होता है आपका 3, और अगर आपका इन रेडियस 3 है और किसका गुणा कर रहे हैं, 3 का गुणा कर रहे हैं, तो अब इस केस में इन रेडियस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और कह रहा है कैपिटल R परित्रिज्या, ये हमारा क्या होता है कर्ण का आधा, कर्ण का आधा मतलब 51 का आधा, अब एक बार 3 से कटेगा कितना आ जाएगा 17, और ये 2 ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा 6/17, तो अनुपात कितना हो जाएगा 6 और 17 का। बोलो बात क्लियर हो गई, नहीं किसी को अगर ट्रिपलेट से निकाल पा रहे हो तो आप a+b-c/2 से भी निकाल सकते हो, जो इन रेडियस होती है इसको आप a+b-c/2 से भी निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और अंतर्वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो। ये बढ़िया सवाल है, आसान है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बाह्य वृत्त की त्रिज्या को पकड़ेंगे, जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, कर्ण की आधी होती है, और कह रहा है ये 30 के बराबर है, तो यहां से हमारा कर्ण की वैल्यू मिल जाएगी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ये अब हमको मालूम चल गया कर्ण हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। अंतर्वृत्त की त्रिज्या 12 है, अब इन रेडियस को क्या लिखते हैं, a+b-c/2, और ये किसके बराबर है, कह रहा है 12 के बराबर है, तो भाई आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखो 12 दो इधर जाएगा, a+b का मान जाएगा, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बेसिक तरीका है ये, और दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, 24 और c का मान 60 है तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, मतलब ये साइड और ये साइड का सम आपको मिल गया। अब दूसरा आपको मालूम है a²+b² = c² होता है, एक ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और दूसरा क्या हो जाएगा, a²+b² = c², 60 का स्क्वायर 3600। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया, अगर आपको ट्रिपलेट से याद है तो आप बहुत जल्दी से बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। अच्छा देखो, जब भी बड़े नंबर होते हैं तो ऑप्शन का भी तो सहारा ले लो, ऑप्शन में भी तो आपको गाइड करेगा कि क्या है कैसे है। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो ये जो 30, 40, 60 है ये तो आपका ट्रिपलेट ही नहीं है, इसको हटा दिया। और अगर मैं 12 इन रेडियस की बात करूं तो ये वाला जो नंबर है ये देखो बहुत खास नंबर है, अगर मैं इसमें देखूं तो ये 12 × 3 है, 12 × 4 है और 12 × 5 है, और आपको मालूम है 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, इसकी इन रेडियस कितनी होती है 1, अगर इसमें 12 का गुणा हो रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यही दिया हुआ है, इन रेडियस 12 है और सबसे बड़ी वाली भुजा 60 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी दो पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ऑप्शन से चेक करोगे जल्दी हो जाएगा, कई सारे ऑप्शन आपके ट्रिपलेट ही नहीं बनेंगे और कई सारे ऑप्शन में आपको सीधे सीधे दिख जाएगा, हाँ इसी से इन रेडियस 12 बनेगा और इसी से आपका सरकम रेडियस 30 बनेगा। तो आपको सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सवाल सॉल्व करने में ज्यादा समय है, ऑप्शन से करने में कम समय लगेगा, क्लियर।
ये देखो कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं 7, 24, 25 है, त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या निकालो, अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालो, जो त्रिज्या का अनुपात है उसका स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया का अनुपात हो जाएगा। ये बाहर वृत्त का हो जाएगा और ये अंदर वाले वृत्त का हो जाएगा। ठीक, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? कर्ण का आधा, 25 का आधा कर दिया, और अंतर्वृत्त की त्रिज्या 7, 24, 25, मैंने क्या बताया याद है तो फटाक से 3 लिख दिया, और ये कितना आ जाएगा? 25/6 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। 25/6 का स्क्वायर 625, और 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा। 625/36 ही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई? तो आपने देखा राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी तरीके के सवाल बनते हैं, चाहे वो एरिया निकालने का सवाल हो, चाहे अंतर्वृत्त निकालने का, अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का सवाल हो, चाहे बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालने का सवाल हो, चाहे इनका कंपैरिजन हो, चाहे एरिया का कंपैरिजन हो, हम सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट से याद है तो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं उनको आप आसानी से कर सकते हो। अगर ट्रिपलेट से याद नहीं है तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है राइट एंगल ट्रायंगल को आज आपने एकदम अच्छे से सीख लिया होगा। आज के बाद में आपको राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी सवाल में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर इस लेक्चर को आप अच्छे से समझ लेते हो, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको कराया सारे अच्छे से आप देख लेते हो, खुद से उनको सॉल्व कर लेते हो, तो कोई भी सवाल अगर राइट एंगल ट्रायंगल का आएगा तो आप आसानी से खुद से ही उसे सॉल्व कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोम्बस, समचतुर्भुज। एग्जाम में समचतुर्भुज के भी सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रोम्बस। एक एक करके इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो सारे मैं इसी सीरीज में कंप्लीट कर दूंगा।